मेरा नाम दर्शना मोहरे है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और मैं इस वर्ष वोट देने के लिए ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि वोट देना सभी नागरिकों का अपना अधिकार है। हमारे वोट से हमारा राज्य, हमारा देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अतः इस बार मैं वोट देने के ज़रूर जाऊँगी। छत्तीसगढ़ की उपलब्धि के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ ने पिछले विगत वर्षों से काफ़ी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। यहाँ की सड़कें देख लीजिए, जनता को सुविधाएं देने के मामले में कहिए, आप रायपुर से बस्तर जाकर देखिए, काफ़ी सारी उपलब्धियाँ मिली हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएँ लोगों को दी गई हैं। तो उपलब्धि के मामले में तो छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा कर लिया है इन 10 वर्षों में। बाकी नेताओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिनको भी वोट दें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार जो भी होंगे, आप उनके पिछले रिकॉर्ड्स आप उठाकर देखिए कि वो हमारे देश के लिए लाभदायक हैं या नहीं है। उनका पिछला रिकॉर्ड से हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ज़रा सोच समझ कर आप दे। कुछ जो बागी नेता हैं वो अपने बड़बोलेपन से यूं ही मतलब आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें सोच समझ कर इस बार वोट देना की ज़रूरत है। और नोटा का इस्तेमाल करने के बारे में ये कहूँगी कि नोटा का इस्तेमाल अगर आपको लगता है कि दोनों ही उम्मीदवार वोट देने के लायक नहीं हैं, तो आप नोटा का इस्तेमाल ज़रूर करें। नोटा के इस्तेमाल से ये है कि नोटा के को भी गिना जाए, सिर्फ उम्मीदवारों के वोट्स को ना ही गिने, नोटा को भी गिना जाए। तभी तो हमारे देश में पता चलेगा कि कितने ही व्यक्ति यह सोचते हैं कि दोनों उम्मीदवार इस चुनाव के लायक नहीं हैं। और प्रत्याशी को मैं यह देखकर वोट करूँगी कि वो हमारे लिए, भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए कितने लाभदायक है, हमारे लिए वो क्या कर सकते हैं, उनके वादे इरादे यह देखा जाएगा। और उनका पिछला रिकॉर्ड्स देखा जाएगा कि उनके वादे इरादे पिछले रिकॉर्ड्स में उन्होंने कितना पूरा किया है, नहीं किया है। तो बहुत ही मैं सोच समझ कर नाप तोल कर मैं वोट देना चाहूँगी। और आप लोगों सभी से अपील करती हूँ कि बहुत सोच समझ कर हमारे देश का, हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य को तय करें। धन्यवाद।